अंदर जो भी ट्रैक करते हो और इस बिजनेस के अंदर एक दो बार नहीं कई बार वो ट्रिप कर चुके हैं, और ये जो ट्रिप रहा सबसे खास इसके लिए रहा क्योंकि अपने देश में अभी बुलेट ट्रेन की प्लानिंग चल रही है और क्या मालूम कब रेडी होगा, सही है, लेकिन इस कंपनी की ताकत है हम लोग को और आपको सबको बुलेट ट्रेन में बैठने का मौका मिला। दूसरी बात यह है कि माउंटेन जो बर्फीली पहाड़ियाँ होती हैं अपने देश में भी है, लेकिन कभी वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिला, सही है, लेकिन इस बिजनेस के जरिए इस कंपनी के जरिए अपने को माउंटेन पे जाने का मौका मिला और -11 डिग्री ऐसा कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे -11 डिग्री था, सबका हालत भी ख़राब हो गया, मेरा भी बहुत हालत ख़राब हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा था अब यहाँ से ऊपर ही आने वाले, ठीक है ना, तो बहुत मज़ा आया। और ये कंपनी की ताकत है जो एक आम इंसान को यहाँ तक पहुँचा सकता है, ऐसे जगह पे घुमा सकता है, बाकी हम लोग की तो कोई औकात नहीं थी क्योंकि मैं एक सेल्समैन था कोको कोला कंपनी में, और सेल्समैन की औकात नहीं होती है सब जगह जाने की, सही है ना, अगर औकात होती तो हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे हिल्स है और ऐसे माउंटेन्स है चले गए होते, लेकिन बिजनेस में आने के बाद ये सब घूमने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कंपनी में जो वर्ल्ड वाइड और इतनी बड़ी कंपनी है, और मुझे उम्मीद है कि इतनी बड़ी कंपनी में जब हूँ तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा आदमी भी बनूंगा इनसे, और मेरा टारगेट है अभी तो बिजनेस में आने के बाद काफ़ी अच्छा अर्निंग भी हो रहा है, बाइक लिया, कार लिया, और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, ज्वाइंट फैमिली है, और 2 से 3 महीने के बाद इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रही आशीर्वाद रहा तो यहाँ से मैं एक फ्लैट नहीं दो दो फ्लैट जिसको डुप्लेक्स फ्लैट लेता ले बोलते हैं इस बिजनेस के जरिए मैं लेने वाला हूँ। और मेरा टारगेट है इस बिजनेस के जरिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, क्योंकि धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि सबसे पहले सोचो और सबसे बड़ा सोचो, नहीं तो कोई और आपसे सबसे पहले सोचेगा सबसे बड़ा सोचेगा और आपसे आगे निकल जाएगा, तो मेरा टारगेट है कम से कम हम इतना बड़ा सोचें अपने कम्युनिटी में अपने कंपनी में ताकि हमारे कंपनी में उतना बड़ा कोई सोचे नहीं, तो मेरा टारगेट है कि इस बिजनेस के जरिए आज नहीं कल नहीं आने वाले टाइम में इस बिजनेस के जरिए बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे, और जो एक ड्रीम होता है बिजनेसमैन का चार्टर्ड मैन आने वाले टाइम में इस बिजनेस के जरिए चार्टर्ड मैन तक भी जाना है। जय हिंद जय शंकर।